ओम लॉ के डेरिवेशन में ओम लॉ को प्रूव अगर करना है तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट के आपने आज दो फॉर्मूलाज किए। पहला फॉर्मूला ये किया वी डीज आई बाई एन ए, या दूसरा फॉर्मूला ये किया वी डीज आई बाई एन ए, और पहला फॉर्मूला था ये किया विद नेगेटिव साइन किया था। तो मैग्नीट्यूड में ये फॉर्मूला है, चेक कर लो। दो डेरिवेशन की ड्रिफ्ट की, एक करंट की फॉर्म में एक पहले वाली, दो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट के फॉर्मूलाज को लिख लें और दोनों को इक्वेट कर लें। दो फॉर्मूला यही थे ना, फॉर्मूला जिसमें चेक कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर लें। ध्यान आगे, इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ अ कंडक्टर डी वी बाई डी आर करके। तो यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाई एल आएगा, वी बाई एल आएगा, क्लियर है। अब लास्ट में एक स्टेप और कर लें, वी ध्यान आगे, वी और आई एक तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, V और I एक तरफ, L, M, E, tau सब लेफ्ट की तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन आएगा, करके देख लो। V और I एक तरफ, बाकी सब राइट की तरफ, ठीक है। ये स्टेप कर लोगे, ये स्टेप V और I एक तरफ बाकी सब राइट की तरफ, L और A को अलग कर लेना। इसके अंदर अगर आप एक वायर लेके आते हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो चेंज होगा नहीं। फॉर अ गिवन वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, ई की वैल्यू भी सेम रहेगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो टाउ की वैल्यू भी सेम रहेगी, कोलिजन का टाइम सेम रहेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज हो सकता है। तो यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म इज अ कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट का नाम है रो, रो वेयर रो का ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। आपने टेंथ में सुनी भी हुई है पर ये नहीं सुना होगा, तो ये रेजिस्टिविटी है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, इसमें फॉर्मूला ये बन गया V बाय I रो L बाय A, और रो L बाय A को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस R। ये फॉर्मूला नोट करें रेजिस्टेंस का, और ये प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ है, कैसे R इज इक्वल टू V बाय I, क्योंकि सब कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट है, तो V बाय I की रेशियो इज अ कॉन्स्टेंट। तो फॉर्मूला, दो फॉर्मूले नोट करो, पहला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाय A, दूसरा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये रहा। दो फॉर्मूला नोट करें, फॉर्मूला रजिस्टर में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नोट करें, और एक और नोट करें, सिग्मा इज वन बाय रो, वेयर सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला भी नोट करें, कंडक्टिविटी सिग्मा वन बाय रेजिस्टिविटी, ये नोट करें, तीन फॉर्मूलास। समझ में आ रहा है यहां तक, तो रेजिस्टेंस आर इज रो एल बाय ए। ये जो टर्म रेजिस्टिविटी है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कब चेंज होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल एंड नेचर ऑफ अ कंडक्टर पे। तुम्हें क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी गिवन होती है, अगर मान लो एक वायर कॉपर की है और दूसरी वायर भी कॉपर की है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तुम छोटी लेंथ लो या बड़ी लेंथ लो। रेजिस्टिविटी डेंसिटी की तरह, छोटी लेंथ या बड़ी लेंथ डेंसिटी सेम है, ऐसी मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंडेंट है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा, जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि कॉपर की जगह गोल्ड की वायर ले ली, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करना, तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि आपके पास एक वायर है, आपने वायर के 10 टुकड़े कर दिए, तो बोलो रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, भाई कुछ भी ना हुआ, तुमने वायर का मटेरियल चेंज ही नहीं किया, तो रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, क्योंकि मटेरियल चेंज होने से ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो रेजिस्टेंस के यूनिट ओम्स हैं, ये सबको मालूम है।